to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट CECH। गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का क्रैश कोर्स, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और एक बार जरा सब लोग कमेंट करके बता देंगे भाई ऑडियो एकदम अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी को। पंकज जी, मोहम्मद कैब, डिंकी, काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं यहाँ पे। फटाफट जरा सेशन को सब लोग शेयर लाइक कर देंगे एक बार। और हम लोग आज सुपर सोनिक तरीके से जैसे हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे, हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पूरा रिवीजन बढ़िया तरीके से, एकदम एक्शन पैक्ड तरीके से यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं जल्दी से क्लास को हम लोग, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी लोग हमको जानते हैं, माई बेस्ट गेट रैंक 55 है एंड 301 है सर, एक्सपर्ट है गेट ESE के अंदर। टेक्निकल एग्जाम सर के सारे एकदम बढ़िया से क्रैक हो रखे हैं और सर ने एमटेक कर रखा है एटीट्यूड से। बेस्ट गेट स्कोर 982 है। टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे तुम देख सकते हो सर का, 4 साल का हो गया है, 3 तो पुराना है यहाँ पे। और सब्जेक्ट जो है ये सारे जो हम तुमको जल्दी पढ़ाते हैं, इसमें तुम देख सकते हो हाइड्रोलॉजी भी है। अभी तुमको मैं यूट्यूब पे क्या पढ़ा रहे हैं सुन लो जरा एक बार, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता हम बता देते हैं, सुबह 9:30 बजे, ठीक है, सुबह 9:30 बजे सर का क्या चल रहा है, मैथमेटिक्स चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है? मैथमेटिक्स, ठीक है सर। और दोपहर में 1:30 बजे चल रहा है हमारा, दोपहर में 1:30 बजे सर क्या चल रहा है हमारा, दोपहर में 1:30 बजे सर जी चल रहा है हमारा हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इसको तुम लोग देख सकते हो बढ़िया से, अभी यही चल रहा है, हम लोग इसी क्लास के अंदर हैं। और हाँ, सारी क्लासेस मंडे से फ्राइडे चलेंगी, ठीक है। कल क्लास नहीं हो पाता इसलिए हम लोग आज क्लासे रहे। CS10 हमारा कोड है बेटा, CS10 कोड यूज़ करके तुम बेटा जुड़ सकते हो प्लस पे और आइकॉनिक पे। जबरदस्त बैचेस चल रहे हैं अंदर, ठीक है। प्लस पे तुमको पता ही लाइव क्लासेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, वीकली टेस्ट हैं, डाउट सॉल्विंग फीचर्स हैं। और डाउट सॉल्विंग के अंदर बेटा तुमको यहाँ पे देख सकते हो चैट के साथ साथ यहाँ पे तुमको कॉल एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं। इंग्लिश हिंदी बैचेस हैं, RIVs हैं। बाकी आइकॉनिक के अंदर देखो प्लस के सारे फीचर्स तो हैं, प्लस साथ ही साथ तुमको यहाँ पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, स्टडी प्लानर है, बूस्टर सेशंस हैं और इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस तुमको यहाँ सेक्शन वाइज मिल रही है ना। तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स है आइकॉनिक के अंदर। तो आइकॉनिक प्रीफर कर सकते हो अगर तुम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो जिनको बहुत डिटेल में तैयारी चाहिए और जो कन्फ्यूजन
से बचना चाहते हैं तो वो लोग आइकॉनिक साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बैचेस देखो लगातार चल रहे हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेट बैच में हाइड्रोलॉजी चल रही है और आरोहन बैच में स्टील चल रही है। CS10 कोड यहाँ पे अगेन तुम यूज़ कर सकते हो और जुड़ सकते हो इस टेक्निकल बैच में सिविल के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बैच चल रहा है इस समय, और तुम लोग अगर प्रीलिम्स का टारगेट कर रहे हो, जो बच्चे यहाँ पे प्रीलिम्स 2022 का टारगेट कर रहे हैं यार, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इन महारथी लोगों को फॉलो कर सकते हैं और बढ़िया से इस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। सौरभ सर अभी तुमको सेफ्टी बढ़ा रहे हैं सुबह 11:30 बजे, यहाँ पे बेटा तुम CS10 कोड यूज़ करके बढ़िया से जुड़ सकते हो इस बैच के अंदर, ठीक है। और 25 तारीख से बैच शुरू हुआ है, अभी इसमें नया सबमिट शुरू होगा तो तुमको पता चल जाएगा सब, है ना। अगर तुम प्राइजिंग की बात करो तो प्राइजिंग 2 साल, 1.5 साल और 1 साल की जो फीस प्लस की है वो 42,000, 37,000 और 29,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर यूजिंग द कोड CS10। तो CS10 कोड यूज़ करके तुमको डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर ज़्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तब भी तुम्हें डिस्काउंट मिल ही रहा है, पर मंथ कॉस्ट कम हो जाती है ना। बाकी 2 साल, 1.5 साल, 1 साल की जो फीस 66,000, 58,000, 45,000 रिस्पेक्टिवली है आइकॉनिक की, ठीक है। ऐप पे सब तुम चेकआउट कर सकते हो यूजिंग द कोड CS10। कोड 10 लगा दोगे तो तुमको प्राइस कम मिलेगी, है ना। तो ये देख लेना एक बार, कोड ज़रूर लगाना, नहीं लगाओगे तो फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑफ़र की। तो अभी एक ऑफर चल रहा है सितंबर के अंदर, जिसमें तुम देख सकते हो तुम 6 मंथ्स का अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुमको यहाँ पे 3 मंथ्स फ्री मिलने हैं। इसका कारण ये है कि 6 मंथ्स में तुम्हारा गेट ESC आने वाला है, सबको पता है बात। और अगर तुम्हारा मान लो इन शॉर्ट प्री निकल जाता है गलती से, या मान लो तुमने मेहनत करी प्री निकल गया, तो तुम्हारे पास मेंस की तैयारी करने के लिए यहाँ पे देखो अनअकैडमी तुमको एक बेनिफिट दिया 3 मंथ्स का, ठीक है। तो बड़ी कमाल की चीज़ है, और तुम यहाँ पे 42% सेव कर पाओगे इस ऑफर के साथ। तो ज़रूर से तुम लोग सब्सक्रिप्शन लो सितंबर में, और गेट ESC के साथ साथ प्री के साथ साथ तुम यहाँ मेंस की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुमको और डिस्काउंट चाहिए तो तुम कॉम्बैट अटेंड करो, जो कि कल होने वाला है। कल 5 सितंबर का दिन है, टीचर्स डे भी सर होता है इस दिन, और हम लोग का कॉम्बैट भी होगा। बढ़िया से सर पढ़ के आएंगे, कॉम्पीट करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, सर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है एंड में। और सर अगर जीत गए तो भाई, अगर ये रैंक्स हमारी आ जाएंगी तो हमको सब्सक्रिप्शन में ऑफ मिल जाएगा, मतलब कुल मिलाकर डिस्काउंट ही डिस्काउंट है सर। ज़बरदस्त धमाकेदार क्वालिटी वाली पढ़ाई मिल रही है सर, और एकदम यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी में बग्स बाउंटी प्रोग्राम तुम चेकआउट जानते ही हो, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको बता सकते हो। बाकी स्पेशल क्लास के फीचर्स तुम देख सकते हो यहाँ पे, लाइव क्लासेस रहती हैं, पोल्स रहते हैं, कोई क्लास वाइज मिस होती नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम से आता है, लेक्चर नोट्स हमारे पास यहाँ पे है ना। बाकी तुम उसको लाइव रिकॉर्डेड किसी फॉर्म में कहीं से देख सकते हो, ठीक है। बाकी हमको अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लो। चलिए सर, ये सारी बातें हमारी हो गई हैं, अब हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोलॉजी के ऊपर। तो हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे यार हम लोग, है ना, तुमको पता ही है हाइड्रोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसके अंदर। तो देखो हम लोगों ने ये सब क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली जल्दी से, ठीक है। ऑडिबल, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज करते हैं सर। तो गेट ESC का सिलेबस हमने यहाँ पे देख लिया था सर, है ना, और ये तुम्हारा जो सिलेबस है गेट ESC का, यही ऑलमोस्ट हर AEJEE के एग्जाम में यही सब पूछी जाती हैं, कम हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। AEJEE में सर इससे कम चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हाइड्रोलॉजी पहले हम निपटा रहे थे सर, प्रेसिपिटेशन हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन में सर आपने हमको वाटर साइकिल, वाटर बजट, हाइड्रोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होती है, कितना पानी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये हमने पढ़ा था। 1400 मिलियन किलोमीटर क्यूब लगभग है ना इंडिया में वाटर, 1850 किलोमीटर क्यूब है। बाकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन हमको समझाया था, है ना, ये हम लोग समझ गए थे। बाकी सर आपने हमको वाटर साइकिल के बारे में आइडिया लगाया कि वाटर साइकिल आखिर होती क्या है, किस तरह से हमारे इसमें साइकिल्स होती हैं, है ना, और इवेपोरेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, रन ऑफ क्या है, इन्फिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन, परकुलेशन, वर्गा, डिप्रेशन, स्टोरेज, रन ऑफ, काफ़ी सारे टर्म्स के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। बाकी हमने इसमें तुम्हें कॉजेज़ बताए कि कॉज क्या थे अर्थ के, है ना, वो मतलब वाटर साइकिल के, तो कॉजेज़ काफ़ी सारे देखे। फिर हमने वाटर बजट पढ़ा था, वाटर बजट हमने देखा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू क्या था, चेंज इन स्टोरेज, ये देख पा रहे थे हम लोग। इसकी पूरी डेरिवेशन हमने उनको दिखाई सरफेस और सब सरफेस को लेते हुए, लेकिन फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनी वो जो हमको याद रखनी वो क्या है, PRGET, ठीक है, जिसमें जी और डेल्टा, जी डेल्टा इसको जीरो करके हमने ये देखा, और ये हमारे पी माइनस लॉसेज इक्वल टू रन ऑफ यहाँ पे निकल के आ गया था, ठीक है। तो ये हमने देखा, बाकी क्वेश्चन तुमको कराया था। कैचमेंट एरिया क्या होता है तुमको बताया था, एक एरिया जो पूरा पानी को ड्रेन करता है अपनी सेंट्रल रिवर में, उस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं कैचमेंट रिवर, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो हमारा रिच पॉइंट होता है, रिच पॉइंट से पानी नीचे जाके रिवर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट लाइन जो हमारी रिच लाइन है, और जिस पर नीचे की लाइन है जहाँ पानी अल्टीमेटली पहुंचता है वो हमारी वैली लाइन है, ठीक है। ऐसे ही हमारे शहर वगैरह में होता है कि जब बारिश होती है तो सारा पानी अल्टीमेटली बीच में पहुंच ही जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बढ़िया समझा दी थी, और फिर आपने हमको प्रेसिपिटेशन बताया। आपने सर हमको बताया कि प्रेसिपिटेशन के मेनली दो कॉज हैं, कि एक तो टेम्परेचर कम कर दो तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और अगर सैचुरेशन वेपर प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली वो कम होगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर जब भी सैचुरेशन के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा तो प्रेसिपिटेशन की चांसेस बनेंगी, और इसके लिए हमने एक टर्म यूज़ किया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक्चुअल अगर
बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की चांसेस बनती हैं। और इसके दो तरीके हैं, या तो वेपर प्रेशर बढ़ाओ, या तो हवा में नमी की कंटेंट बढ़ाओ, या दूसरा तो यहाँ पे टेम्परेचर को घटाओ। ठीक है, दो चीज़ें थी। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में दो तीन चीज़ें पड़ी थी सर। कन्वेक्टिव आपने बताया था, जिसके अंदर आप सर हवा गर्म हवा ऑटोमेटिक ऊपर जाके एक साइकिल सी बन रही थी, कन्वेक्टिव साइकिल। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो हमारा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके सर आपने ऑरोग्राफी बताया था, जिसके अंदर सर आपने ये बताया था कि अगर कोई पहाड़ आ रहा है बीच में, तो अगर हमारी मॉइस्चर से लदी हुई हवाएं हैं तो वो पहाड़ के ऊपर चली जाएंगी और ऊपर जाकर ठंडी होंगी और फिर ऑटोमेटिकली सर बादल बन जाएंगे। ठीक है, साइक्लोनिक सर आपने बताया था, प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि जब विंड आती थी अंदर तो सर्कुलर मोशन में घूम जाती थी। और बस नॉर्दर्न हिस्से में साइक्लोन सर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, साउथ में क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी साइक्लोन डायरेक्शन तुम देख सकते हो। ये एग्जाम में पूछा गया था तो तुमको बता दिया हमने। फ्रंटल में सर कोल्ड और वार्म एयर आके मिलती है। ठीक है, फिर हमने फॉर्म्स ऑफ प्रिपरेशन का तुमको बताया, हमने रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ड्रिजल, ग्लेस बताया। चलो सब बच्चे जल्दी से हमको बताओ ड्रिजल का इंटेंसिटी कितनी रखते हैं, ड्रिजल की इंटेंसिटी कितनी रहती है, कमेंट करेंगे सब लोग जल्दी से। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट को क्रैश ला देंगे बेटा। गुड आफ्टरनून सर, पहले हाइड्रोलॉजी, हाँ पहले हाइड्रोलॉजी होगा बेटा, सुनते चलो पहले इसको। चलो जल्दी कमेंट करो ड्रिजल की इंटेंसिटी क्या है सर, कमेंट नहीं आ रहा भाई। सर ड्रिजल की इंटेंसिटी जो होगी वो 0.1 सेंटीमीटर पर आवर से कम होगी। रेन की क्लासिफिकेशन देख लो, लाइट, मॉडरेट, हैवी, ढाई से कम, ढाई, साढ़े सात से ज़्यादा। ठीक है सर, ओके। फॉर्म्स की आपने बात करी थी, फिर आपने सर हमको एक क्वेश्चन दिए, फिर टाइप्स आपने बताया। अब हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, आज की क्लास हम लोग यहाँ से कंटिन्यू होगी, सुपरसोनिक चलेंगे, जो पूछेंगे बेटा तुरंत बताते हुए चलना। ठीक है, चलिए सर, ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 0.1 सेंटीमीटर आवर से कम, सही बोल रहे हैं सब लोग, बढ़िया। कमेंट वमेंट देखो करते रहो भाई, कमेंट करते रहो, एक्टिव रहो, तभी चीज़ें दिमाग में जाएंगी। चलो बताओ रेन गेज के और नाम क्या हैं, कमेंट करो भाई, रेन गेज के और क्या नाम हैं। सर रेन गेज के हमको यहाँ पे दो चार नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो हो गया प्लूवियोमीटर, ओमरोमीटर और हाइटोमीटर। ठीक है, दूसरी बात सर, ये जो रेन गेज रहता है इसको खुले में रखना होता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। सर ऐसा रखना है इसको कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी 30 मीटर के दायरे में ना आए, या तो अगर आसपास कोई बिल्डिंग या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी डबल हाइट करके हम लोग इससे दूरी बना के रखेंगे। ठीक है, तो 30 मीटर या तो ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी इनमें ज़्यादा होगा उससे पास रेन गेज रखना ही नहीं, उससे दूर रखना है ताकि खुला खुला रहे और बढ़िया से बारिश को पलट सके। दो टाइप के सर रेन गेज होते हैं हमारे, एक होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग और एक होते हैं रिकॉर्डिंग। तो पहले आओ नॉन रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं सर। नॉन रिकॉर्डिंग होता है हमारा साइमन रेन गेज, याद रखना इसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। साइमन रेन गेज क्या है सर, इंपॉर्टेंट है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इंडिया में कौन सा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज पॉपुलर है, तो क्या बताओगे? सर हम लोग बोलेंगे सर साइमन रेन गेज, इसके कई सारे और नाम है, इसको बोलते हैं 5 इंच का रेन गेज। क्यों? क्योंकि जो बेटा इसका डायमीटर है ना, ये देख पा रहे होगे, ये जो इसका डायमीटर होता है ये 5 इंच होता है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है सर, हम लोग बारिश को हर दिन सुबह 8:30 या 8 बजे के आसपास मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, इसको हमने रखा 8 बजे सुबह, और अगले दिन सुबह 8 बजे हमने देखा आके यहाँ पे कितना पानी भर गया है। जितना पानी भर जाएगा वही डेप्थ हमारी क्या हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी, वही डेप्थ हमारी क्या हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये नॉन रिकॉर्डिंग है, मतलब हमको ये नहीं पता चलेगा, हम अगले दिन जब सुबह 8 बजे आके देखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि सर उसमें जो पानी है वो किस बजे कितने बजे गिरा था। हमें नहीं पता 11 बजे पानी बरसा था, 12 बजे हुआ था, तो नॉन रिकॉर्डिंग, हमें नहीं पता एग्जैक्टली किस टाइम पे क्या क्या हुआ, तभी इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिएशन मेजर नहीं होता, हमें टाइम एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, लेकिन ये पता चल जाता है कि अभी 8 से अगले दिन के 8 बजे तक कितना पानी गिरा, समझ गए? इसको हम लोग बोलते हैं डेली रेनफॉल। क्या बोलते हैं बेटा? डेली रेनफॉल, एक दिन में इतना पानी गिरा, समझ गए, मेजर करते हैं। इंडिया भर में ये रेन गेजेस इस तरह के लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरे हमारे कौन से होते हैं सर? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में सर बढ़िया कमाल की चीज़ क्या है कि रिकॉर्डिंग चलती रहती लगातार, उसमें क्या होता है कि आपका टाइम वेरिएशन, मतलब बारिश किस किस तरह से कब कब बरसी वो पता चलता है। 11 बजे ग्राफ ऊपर जाएगा, 12 बजे नीचे आएगा, तो ग्राफ बराबर बनता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, चलिए सर, एकदम बात समझ में आ गई हमको। सर देखिए, ये जो हमारा रेन गेज है साइमन्स रेन गेज, इसके अंदर अगर हम थोड़ी इसकी असेंबली देखें तो नीचे कॉन्क्रीट का ब्लॉक रहता है जिसके अंदर इसको फंसाया जाता है या स्टैंड लगा देते हैं, है ना। तो ये जो कॉन्क्रीट का ब्लॉक सर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका साइज़ आप देख सकते हैं 60x60x60 है, और इसके चारों तरफ हम लोग एक फेंस लगा देते हैं। फेंस इसलिए लगाते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह ना घुस जाए, है ना। चारों तरफ तुम देख सकते हो इसमें एक, है ना, 5.5x5.5 मीटर का फेंस लगा देते हैं। वो यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। बाकी ये एक बॉटल है, देख सकते हो, एक मेटल की बॉटल है, उसके अंदर एक ग्लास की बॉटल है। बाहर पहले मेटल केसिंग है पूरी, अंदर एक ग्लास की बॉटल दिख पा रही है सबको। ठीक है, ओके सर। और इसका जो डायमीटर है सर, जो डायमीटर हम देख पा रहे हैं, ये 5 इंच है, 127 mm या 12.7 सेंटीमीटर है ना। सही बात है, तो साइमन रेन गेज को हम लोग 5 इंच रेन गेज ही बोलते हैं, और तुम आराम से निकाल सकते हो। डायमीटर का 5 इंच है, हाइट इसकी सर 30 सेंटीमीटर है। ये जो बॉटल आप मेन देख रहे हैं, इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो देख सकते हैं। बाकी कॉन्क्रीट ब्लॉक 60 सेंटीमीटर है। और रेन गेज को हम लोग ओपन एरिया में प्लेस करते हैं, कभी भी इसको हम किसी ऑब्स्टिकल बिल्डिंग के एकदम पास नहीं रखेंगे कभी भी,
कभी पेड़ के नीचे नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है सर, खुले एरिया में रखना है हमको, ओपन एरिया में रखना है हमको, कभी इसको पेड़ के नीचे रखना, कभी छत पे नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो तुमको दिमाग में रखनी है, ठीक है, आसान बात है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइमन। क्या मधुसूदन पूछ रहे हैं, सर मैंने अभी क्वेश्चन लगाना शुरू किया है PYQ, तो सर ये इनफ टाइम, बेटा सब कुछ इनफ है, अभी काम एकदम जोश में करो, आपको टाइम है इतना ना देखा करो, अब देखो जितना टाइम मिल गया उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, यही कर सकते हो ना, पीछे तुमको ये सही गलत मत देखा करो, काम किया करो बस, ठीक है। चलिए, तो मेटल केसिंग, अंदर ग्लास की बॉटल, ऊपर देख सकते हो यहाँ फनल लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें पानी कलेक्ट हो जाएगा, डेली रेनफॉल हम लोग मेजर करते हैं, ये हमारा हो गया साइमन, ठीक है। तो कभी भी इसको ऑब्स्टेकल या पेड़ के नीचे या छत पे नहीं रखते हैं, इसको खुले एरिया में रखा जाता है। सर हमको मोटी मोटी बात समझ आ गई, नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज जो इंडिया में यूज़ होता है वो हमारा साइमन रेनगेज है, ये हमको बात बढ़िया से समझ में आ गई है, ठीक है। अब शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग की बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा है रिकॉर्डिंग रेनगेज, रिकॉर्डिंग वो जो दिन भर तुमको बताएं कि कब कौन सी बारिश कितने बजे हुई थी, पूरा ग्राफ तुमको यहाँ बन के मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग रेनगेज, ठीक है। बड़ा कमाल का होता है, थोड़ा ध्यान से देखना क्या हो रहा है सर यहाँ पे। सर रिकॉर्डिंग में जो पहला हम लोग पढ़ने वाला उसका नाम है टिपिंग बकेट रेनगेज, देख पा रहे हो हमारे जाते हैं सर, टिपिंग बकेट रेनगेज। टिपिंग बकेट क्या होता है सर, टिपिंग बकेट में क्या होता है, आप देखिए एक बढ़िया सा यहाँ पे कलेक्टर रखा है, सर लोग बहुत ध्यान देंगे, यहाँ एक कलेक्टर सबको दिख रहा है, सर कलेक्टर हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है सुनते चलो। तो सर यहाँ पे एक हमारा कलेक्टर है, ओके, ऊपर हमारा एक फनल रखा हुआ है, फनल, ठीक है। फनल क्या करता है, पानी को कलेक्ट करता है, भाई बारिश होगी तो सीधी बात है पानी इसके अंदर जाएगा फनल से और यहाँ पे गिरेगा। अब सर इसमें क्या है, नीचे अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो एक यहाँ पे एक बकेट है, ऐसी बकेट है ये, इसको झूला तुम समझ सकते हो, जैसे सीसॉ का झूला बचपन में लोग झूलते थे, ऐसे ऐसे झूला झूलते थे ना, ऐसे सीसॉ वही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इस पे रखा गया है, तो होता क्या है जब पानी गिरता है इधर, पानी जब बहुत ज़्यादा यहाँ भर जाता है, ये एक तरफ का बकेट है, दूसरी तरफ की बकेट है, दो बकेट है इसमें, इधर और इधर है ना, तो एक इस तरह का है। अब मान लो जैसे इधर पानी भर गया, मान लो यहाँ पे पानी द्वारा भर गया ये, है ना, तो ये पानी ऐसे गिर जाता है सारा, और क्योंकि इधर वेट बढ़ेगा तो ये ऐसे टिप कर जाएगी, ऐसे टिप ओवर हो जाएगी और फिर दूसरी वाली बकेट पोजीशन में आ जाएगी। जब ये नीचे चली जाएगी पानी इधर, तो ये सेकंड वाला जो बकेट है ये पोजीशन में आ जाएगी, फिर इसमें पानी भरेगा, फिर ये गिर जाएगी, जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये गिर जाएगी, फिर से वो पोजीशन आ जाएगी, तो इस तरह चलता रहता है। तो पहले इसमें पानी भरा, फिर इसमें पानी भरा, पहले फिर इसमें पानी भरा, फिर इसमें पानी भरा। होता क्या है, नीचे यहाँ बेटा सेंसर लगे हैं, देखो सेंसर हैं दो, एक और दो सेंसर। अब जैसे ये जो बकेट है जब ऐसे इस पर टच करेगी, जैसे ही पानी ज़्यादा होगा, टच करती जैसे ही, तुरंत यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हुआ टिप, सेंसर आ गया, तुरंत सेंसर में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर जब इधर गिरेगी तो यहाँ सेंसर लगा, यहाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से टिप टिप करने से होता क्या है, यहाँ पे सेंसर पे रिकॉर्डिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मान लो बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो ये जल्दी जल्दी टिप 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 करेगा, है ना, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे टिप टिप होगा, तो होगा क्या सर, यहाँ से सिग्नल जाता है और हमको ग्राफ लैब में मिल जाता है। ये पहाड़ों वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्यों, क्योंकि पहाड़ पे देखो इतना हम लोग के अंदर हिम्मत नहीं कि रोज़ सुबह 8:30 बजे पहाड़ चढ़ें और देखें वहाँ कितना पानी भर गया है ना। तो पहाड़ पे क्या करते हैं, टिपिंग बकेट रख देते हैं और तार लेके नीचे लैब में आ जाते हैं। तो होता क्या है, वहाँ बारिश होती रहती है, वहाँ टिप 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 चलता रहे और सेंसर से हमारा सिग्नल जो है हमारे पास हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें सर हमको देखने बात जो समझनी है वो ये है कि सर ये आपका हिली और इनएक्सेसिबल रीजन जहाँ पे आप बार बार नहीं जा सकते हैं, रोज़ सुबह 8 बजे नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसको लगा दीजिए, क्या होगा काम, एक बार आपने लगाया और रीडिंग आपको बराबर मिलती रहेगी और 24 घंटे जब बारिश तेज होगी तो जल्दी जल्दी टिप टिप होगा, जल्दी जल्दी ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो। तो ये रिकॉर्डिंग रेनगेज है सर, इसमें आपको एकदम पल पल की खबर मिलती रहती है। ये जो एक बकेट है इसमें 0.25 mm पानी आ पाता है, ये जो बकिंग टिपिंग बकेट देख रहे हो छोटी सी, दो बकेट है, 0.25 mm पानी गिरते ही ये घूम जाती है, है ना, फिर 0.25 mm पानी इसमें गिरेगा, घूम जाएगा और हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफ हम लोग ऑप्टेन होता है टिपिंग बकेट से, वो हमारा इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बेटा, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। अब तुमसे एग्जाम पूछेगा कि टिपिंग बकेट कैसा रेनगेज है, तुम बताओगे रिकॉर्डिंग, तुमसे पूछेगा उसमें क्या आउटपुट मिलता है, तो तुम बोलोगे इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छे सोच रहे हो इंटेंसिटी क्या होती है, कुछ नहीं होता बेटा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना सेंटीमीटर पानी या कितना mm पानी प्रति घंटे गिरा, ठीक है। अब जैसे शुरू के 0 से 2 घंटे में मान लो तुम्हारा 4 रहा यहाँ पे वैल्यू, मतलब शुरू से 0 से 2 घंटे में मान लो यहाँ पे वैल्यू 4 cm/h पानी गिरा, फिर अगले 2 से 4 घंटे में बारिश तेज हो गई और यहाँ पे 10 cm/h पानी गिरने लगा। तो ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ग्राफ, है ना, इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है इंटेंसिटी का ग्राफ, समझ में आ गई बात। अगला देखते हैं हम लोग इसके बाद,
सब हो जाए बेटा, पढ़ाई करो, चिंता ना करो। सेंसर टाइम नहीं नोट करता, सेंसर बेटा रीडिंग नोट करता है कि सिग्नल आया, इसका मतलब बारिश हो रही है। तुम खुद बताओ बेटा, जब बारिश नहीं होगी अनिर्वाण, तो बताओ ये सेंसर पे सिग्नल आएगा नहीं? तब जब ग्राफ जाएगा, ग्राफ एकदम सीधा जाएगा, है ना, और टिप टिप जितना जल्दी जल्दी होता रहेगा ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो इसको। जब बारिश नहीं हो रही तो सेंसर पे टच नहीं होगा, सेंसर पे टच नहीं होगा तो करंट जाएगा नहीं, है ना, ये बात है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं टिपिंग बकेट। बेटा फुल कोर्स देखा है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही है। यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, एक तरह से। जिन्होंने जिनको ज़रूरत नहीं है रिवाइज करने की, जिनको ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं देख सकते हैं। क्रैश कोर्स मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा कभी कुछ भी, वो पहली बार देख रहे हैं तो वो आराम से इसको देख देख सकते हैं। चलिए सर, पहला हमारा हो गया टिपिंग बकेट, सर ये रिकॉर्डिंग था। दूसरा हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो क्या है बेटा, वेइंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट। सर इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, इस असेंबली को देखते हैं फिर रियल पिक्चर देखेंगे। सर देखिए, इसमें भी ऊपर फनल लगा है, पानी इसके अंदर जाएगा, एक बकेट रखी हुई है, ठीक है। जब पानी भरने लगेगा बेटा, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, जब पानी थोड़ा सा भरने लगेगा तो ये बकेट भारी हो जाएगी। अब जब बकेट भारी हो जाएगी तो बेटा स्प्रिंग दबेगी, कमेंट करो। यस सर, बिल्कुल सही बात है, जब बकेट बहुत भारी हो जाएगी तो ये स्प्रिंग दबने लगेगी। जितना पानी ज़्यादा होगा स्प्रिंग उतना ज़्यादा दबेगी, सही बात है। जब ये स्प्रिंग दबती है बेटा तो ये जो पेन यहाँ लगा हुआ है, ये पेन मूव करने लगता है। जब पानी भरता जाएगा, स्प्रिंग दबती जाएगी, ये जो पेन देख रहे हो, ये पेन ऐसे करके ऐसे मूव करता जाएगा ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। पानी ज़्यादा तो ऊपर, पानी कम तो नीचे, इस तरह से होता है ना, ये पेन इस तरह से मूव करता है। यहाँ पे एक सिलेंडर के ऊपर एक ग्राफ पेपर लगा हुआ है, ये ग्राफ पेपर देख सकते हो। तो इस पर क्या होता है, ये घूमता रहता है बराबर, ये ग्राफ पेपर ऐसे घूमता रहता है, और ये पेन जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर ग्राफ बनता जाएगा, है ना। यहाँ देखो थोड़ा सा रियल एग्जांपल देखो, ये देखो पेन दिख रहा है, ये पेन है जैसा मैं तुमको बताया था, ये पेन है, यहाँ पे देख पा रहे हो तुम लोग, ये लंबा सा पेन आया है, और ये तुम देख सकते हो ड्रम रखा है, और देख रहे हो ग्राफ पेपर लगा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा, मान लो स्प्रिंग दबी उधर से, तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बताओ ये घूमता रहेगा बराबर, ये घूमता रहेगा सिलेंडर, और ग्राफ ऐसे आता जाएगा, ये यहाँ पे टच हो रहा है पेन से, है ना। तो ये होता है सिस्टम। तो वही है ना, वेट ऑफ द बकेट जैसे जैसे बढ़ेगा, स्प्रिंग हमारी कंप्रेस होती चली जाएगी और पेन मूव होता जाएगा और ग्राफ आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में मिलता क्या है सर हमको, इस ग्राफ में जो ये ग्राफ आता है ये हमारा मास कर्व होता है सर। क्या होता है ये मास कर्व, इसका मतलब क्या है? मास कर्व का मतलब ये है कि हमको क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम मिल रही है। अब ये क्यूमुलेटिव रेनफॉल क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है बेटा। क्यूमुलेटिव मतलब होता है कि पानी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, भाई ये जो बकेट है इसमें वेट बढ़ता जा रहा है ना। सर शुरू के दो घंटे में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पानी था, अगले 2 घंटे में मतलब टोटल 4 घंटे में हमारा मान लीजिए सर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पानी हो गया, फिर अगले 2 घंटे में टोटल मतलब 6 घंटे में शुरू से सर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पानी हो गया। तो इन शॉर्ट तुम देख रहे हो यहाँ पे तुमको क्यूमुलेटिव रेनफॉल मिल रही है। ये नहीं मिल रहा कि शुरू के 2 घंटे में 3 हुआ, फिर अगले 2 घंटे में 2 हुआ, तो 3, 2, 5 नहीं, तुमको सीधे 5 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी इकट्ठा होता जा रहा है ना। तो तुम्हें जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे बारिश हुई, ग्राफ बाल्टी पानी आधा भर गया, अब बारिश नहीं हो रही है तो ग्राफ कॉन्स्टेंट चलेगा। कॉन्स्टेंट ऐसे चला क्योंकि पानी नहीं भर रहा है ना, पानी उसमें नहीं भर रहा है। सर फिर बारिश होगी, ग्राफ आपका फिर ऊपर जाएगा, कुल मिला के ग्राफ आपका बढ़ता ही रहेगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रेनफॉल, ठीक है, अलग अलग नहीं। ये नहीं कि शुरू में 3 घंटे हुई फिर 0, सिर्फ 0 बारिश हुई फिर 2 बारिश हुई, इस तरह नहीं, 2, 0, 1 इस तरह से बारिश का ग्राफ ही बनता, क्यूमुलेटिव कंबाइंड, कि शुरू से लेकर अभी तक कितना पानी आपका भरा है, फिर जब पूरी बाल्टी भर जाती है एकदम बढ़िया से तो ग्राफ आपका ऊपर चला जाता है, फिर बाल्टी पूरा खाली करते हैं तो ग्राफ पूरा नीचे आ जाता है एकदम, और फिर से इस तरह से ग्राफ बनता है, फिर पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी, फिर ग्राफ आपका धीमे धीमे बनेगा इस तरह से, है ना। तो ये यहाँ पे मैकेनिज्म रहती है। तो याद रखो, टिपिंग बकेट हमको मिलता है इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और यहाँ पे हमको मिलता है क्यूमुलेटिव रेनफॉल, टोटल रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना। क्यूमुलेटिव रेनफॉल, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ, मास कर्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 2-3 नाम जरा सुन लो, मास कर्व को हम लोग, मास कर्व में क्या देखने को मिल रहा है सर, मास कर्व में हमको क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ मिलता है, या इसको हम लोग एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम मतलब टोटल कितनी रेनफॉल इकट्ठी होती चली गई शुरू के 2 घंटे में, फिर अगले 4, इस तरह से बढ़ता जाता है ना। बस इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ द बकेट जो है सर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। हाँ, इट मीन्स मेन पर्पज इज टू मेक ग्राफ टू नोट द टाइम वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, कि समय के साथ बारिश किस समय पे कितनी हुई। अगर देखो बारिश नहीं हो रही तो ग्राफ कॉन्स्टेंट चलेगा, हमें पता चल जाएगा ना कि इतने बजे बारिश नहीं हो रही थी। रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड कर रहा है बराबर, एक एक पल की खबर बता रहा है बेटा, है ना। चलिए सर समझ गए। तीसरा कौन सा होता है, तीन है बेटा मेनली हमारे, तीन होते हैं। एक टिपिंग बता दी तुमको,
टिपिंग बकेट बताते हैं, दूसरा हम लोग बताया वेइंग बकेट जिसमें वजन आ रहा है। अच्छा, वेइंग बकेट बड़ी कमाल की चीज़ है, उसमें तुम रेनफॉल के साथ साथ स्नो भी मेजर कर सकते हो। भाई वेट ही तो मेजर करना है, स्नो गिरे चाहे रेन गिरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सर वेट अपना आता जाएगा। तो हम लोग रेन के साथ साथ स्नो भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो तीसरा वाला है वो सर कौन सा, नेचुरल साइफन, यहाँ पे हम देख रहे हैं नेचुरल साइफन। अच्छा, ये बड़ा कमाल का है क्योंकि ये इंडिया में यूज़ होता है बेटा, इंडिया में यूज़ होता है, तो सब लोग इसका नाम याद कर लो। तुमसे एग्जाम पूछा सकते हैं कि इंडिया में कौन सा रिकॉर्डिंग रेन गेज, फिर से सुनो, इंडिया में कौन सा रिकॉर्डिंग रेन गेज यूज़ किया जाता है, नॉन रिकॉर्डिंग नहीं, नॉन रिकॉर्डिंग तो साइमन है सर, नॉन रिकॉर्डिंग तो साइमन है, रिकॉर्डिंग इंडिया में कौन सा यूज़ किया था, जरा कमेंट करके बताएंगे सब लोग, रिकॉर्डिंग इंडिया में कौन सा यूज़ किया था जरा कमेंट कर बता दो। सर रिकॉर्डिंग इंडिया में जो यूज़ किया जाता है वो हमारा है नेचुरल साइफन, नेचुरल साइफन, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसको फ्लोट टाइप भी बोलते हैं। फ्लोट इसलिए बोलते हैं, अगर तुम लोग के देखो, जैसे तुम लोग घर में अगर वॉश बेसिन वगैरह देखे हो या तुमने सिस्टर्न वगैरह देखे हो जो बाथरूम में रहते हैं वाटर क्लोसेट के पीछे, तो उसमें देखते हो कि एक फ्लोट पड़ रहता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है ना, फ्लश वगैरह में रहता है, ठीक है, देखना इसको कभी। तो सेम चीज़ यहाँ भी रहती है, फ्लोट रहता है, जैसे तुम्हारा वहाँ पे पेन था वैसे यहाँ पे बेटा फ्लोट से पेन जुड़ा होता है। देखो होता क्या है, सेम चीज़ सर, ये आपका बाहर से दिख रहा है, इसके अंदर क्या है वो हम दिखाने जा रहे हैं। देखो ये बाहर की चीज़ है, इसको अगर खोल के अंदर देखें तो अंदर क्या है सर, एक पहले तो फनल लगी है, एक फनल लगी, ओके सर, फनल से पानी भरेगा, ठीक है, और पानी ये नीचे एक फ्लोट देख रहे हो, यहाँ पे ये फ्लोट दिख रही होगी सबको, दिख रही सर, एक यहाँ पे सर्कुलर सी बनी है। इसका काम क्या है सर जी, इसका काम ये है कि जैसे जैसे पानी भरेगा, तुम बताओ अगर पानी बढ़ेगा और इस कंटेनर में पानी बढ़ता जाएगा तो फ्लोट ऊपर जाएगा, भाई पानी के लेवल पे फ्लोट रहती है, फ्लोट प्लास्टिक की हल्की सी होती है, तो पानी का स्तर जब बढ़ेगा तो फ्लोट ऊपर जाएगी, फ्लोट ऊपर जाएगी, यह सुनो, हाँ सर। अब फ्लोट जो है सर, ये जो आपकी फ्लोट यहाँ पे हम देख रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ है सर यहाँ पे एक पेन, यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है सर पेन, ठीक है। बताओ फ्लोट ऊपर जाएगी तो ये पेन भी ऊपर जाएगा, बताओ फ्लोट ऊपर, पानी आता जा रहा है तो ये फ्लोट ऊपर जाती जा रही है क्योंकि पानी भरता जाएगा, और ये पेन भी ऊपर जाएगा। फिर सिमिलरली जैसे वहाँ पे ग्राफ बना था, सिमिलरली ग्राफ यहाँ बन जाएगा। अच्छा, पानी कम होगा तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, ये फ्लोट नीचे आ जाएगी, ठीक है, बता दो भैया, ये हमारा क्या है, नेचुरल साइफन, ठीक है बेटा। वहाँ पे पेन ऊपर नीचे होता है स्प्रिंग के दबने से, वहाँ पे, यहाँ पे फ्लोट से अटैच है पेन, फ्लोट ऊपर जाएगा तो पेन ऊपर जाएगा, फ्लोट नीचे आएगा तो पेन नीचे आएगा, और पेन से ग्राफ बन जाएगा इसके ऊपर। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ग्राफ पेपर इसके ऊपर ग्राफ पेपर लपटा हुआ चारों तरफ, है ना, इस तरह का सिस्टम हमारा नेचुरल साइफन के अंदर होता है। सेम चीज़ यहाँ पे सर, पानी बढ़ता जाएगा, फ्लोट आपकी पूरी ऊपर तक पहुँच जाएगी, तो यहाँ भी आपको क्यूमुलेटिव मिलेगा क्योंकि पानी से बढ़ता जा रहा है, जब पूरी भर जाएगी तब इसको खाली करके फिर से करेंगे इस तरह से, है ना, तो यहाँ भी आपको मास कर्व मिलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे सर मेरा वाटर लेवल बढ़ता है वैसे वैसे फ्लोट मेरी ऊपर जाती है और पेन जो है ऊपर मूव करना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से हमको ग्राफ देखने को मिलता है, इस तरीके से ग्राफ हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, तो यहाँ भी हमको मास कर्व देखने को मिलता है। अब जरा सुनो, एग्जाम में सवाल क्या आएंगे, ठीक है, ये तुम समझ सकते हो, फ्लोट ऊपर जाएगा ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फ्लोट हमेशा सरफेस ऑफ वाटर पर रहता है, आसान सी चीज़। अब देखो क्वेश्चन सुनो, तो रेन गेज हमारे सर हो गए जो बारिश को नापते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आएगा कि रिकॉर्डिंग रेन गेज इंडिया में कौन सा यूज़ होता है, यही सॉरी नेचुरल साइफन, याद रखो इसका फ्लोट टाइप। अच्छा, नॉन रिकॉर्डिंग साइमन यूज़ होता है, याद रखो। सर ये कौन सा ग्राफ देता है, मास कर्व देता है, एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है, तुमसे पूछेगा नेचुरल साइफन जो होता है वो कौन सा हमको आउटपुट में क्या देता है, तो तुम बताओगे मास कर्व देता है। विंग बकेट क्या देता है, मास कर्व देता है। टिपिंग बकेट क्या देता है, इंटेंसिव वर्सेस टाइम देता है। तो ये सब तुमको याद करना पड़ेगा थ्योरी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर तुम चाहो तो ये जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब सारी पीडीएफ जो है सब टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, टेलीग्राम तुमको पता ही है, ठीक है, टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये पीडीएफ तुमको आराम से मिल जाएगी। जो लोग ड्राइंग ढूंढ पा रहे हैं एक बार बता देंगे डिस्कशन ग्रुप में, हम तुमको दे देंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, टिपिंग बकेट में मास्क नहीं होता। इस रेन गेज में कितने घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा, दिन भर चलता है ये काम, ये काम दिन भर चलता रहता है, ठीक है। हाँ, ग्राफ रोटेट होता रहता है, अगर ग्राफ रोटेट नहीं होगा बेटा तो एक ही जगह ऊपर देखो, पेज मान लो यहाँ पे ये है, अब मान लो पेन यहाँ पे आके टच कर रहा है, अब ये रोटेट अगर नहीं होगा तो ये सिर्फ ऊपर जाएगा, यही नीचे आएगा, यहीं पे लाइन बनती रहेगी ना यार, यहीं लाइन बनती रहेगी, जब ये घूमेगा तब लाइन ऐसे 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 इधर उधर होगी, है ना, सिंपल सी बात है, समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपने भारत देश की सर अगर हम बात करें तो 220 यहाँ पे स्टेशंस हैं, स्टेशंस मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट है, IMD इसको बोल रहे हैं, ठीक है, उसने अपने देश में 220 स्टेशन अभी तक ऑलमोस्ट सेटअप कर रखे हैं, जिसमें हम लोग बारिश को मेजर करते हैं, इवेपोरेशन को मेजर करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें जो भी हैं मेजर करते हैं, ठीक है। सबको सबको एक बात पता है कि अगर आप एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है, कैचमेंट एरिया अगर हमारा है और इसमें रेन गेज जितने ज़्यादा होंगे, तुम खुद सोचो, अगर नंबर ऑफ रेन गेज ज़्यादा होंगे तो तुम जो बारिश मेजर कर रहे हो या स्नो मेजर कर रहे हो या इवेपोरेशन मेजर कर रहे हो, कुछ भी मेजर कर रहे हो, उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी बेटा, बताओ, यस और नो।
सर बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई सर, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एंगेज ज़्यादा रखता हूँ तो सर ऑब्वियस सी बात है सर एक्यूरेसी मेरी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है सर ये तो है ना। सर एक चीज़ और समझिए सर, देखिए जो मेरा बारिश का डेटा है वो एकदम वेरिएशन रहता है उसमें, ठीक है। जैसे अगर हम देखें सर तो होता क्या है, पहाड़ों के ऊपर सर बारिश कभी कभी ज़्यादा होती है, पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होती है, डेजर्ट में सर हो ही नहीं रही है, ठीक है। कोस्टल में सर अलग हिसाब किताब चल रहा है, तो हर जगह सर बारिश का हिसाब किताब अलग अलग रहता है, ठीक है। जो बादल हैं सर उनका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्म होता नहीं है, ठीक है। टोपोग्राफी हर जगह सेम रही है, रीजन हर जगह सेम नहीं, तो रेनफॉल जो है सर बहुत ज़्यादा वेरिएबल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल चीज़ है सर, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल चीज़ है, ठीक है। तो सर हम लोग जब किसी कैचमेंट एरिया में रेनगेज का नेटवर्क लगाते हैं, रेनवेज का नेटवर्क लगाते हैं, तो दो चार चीज़ें हम लोग को अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। जो कोडल प्रोविजंस बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो एक आईएस क्या है 4987 है 1968 में, तो ये एक कोड था रेनगेज का। इसके हिसाब से सर क्या होता है, देखिए पहले रेनगेज डेंसिटी समझिए। रेनगेज डेंसिटी क्या होती है कि तुम्हारे टोटल एरिया में कितने नंबर ऑफ रेनगेजेस लगे हुए हैं। टोटल एरिया में मान लो गिवन एरिया ए है, अब इस ए में तुमने 5 की जगह 10 रेनगेज लगा दिए, तो भाई रेनगेज डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेनगेज पर यूनिट एरिया, सिंपल सी बात है, सही बात है। अगर हमारे डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बढ़ेगी और रेनफॉल अच्छे से मेजर हो पाएगी। सर एकदम परफेक्ट बात बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात, हम जितने रेनगेज लगाएंगे सर, जितने रेनगेज हम लगाएंगे उसमें कम से कम 10% आपके रिकॉर्डिंग होने चाहिए। पूछे क्यों सर, जैसे मान लीजिए आपका कैचमेंट एरिया है, अब उस कैचमेंट एरिया में आपने सारे लगा दिए नॉन रिकॉर्डिंग, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि बारिश कब कितने बजे हुई थी। आप तो 8 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे आते हैं, तो आपको ये पता नहीं चलेगा बारिश 1 बजे हुई थी कि नहीं। तो भाई आप मान लीजिए अगर 20 रेनगेज लगा रहे हैं पूरे, मान लीजिए 1000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर आप 20 रेनगेज लगा रहे हैं, तो उसमें 20 में से 2 मतलब 10%, 20 का 10% 2 होता है बेटा, तो उस 2 को आप रिकॉर्डिंग रखिए। उससे क्या होगा फ़ायदा, आपको टाइम का वेरिएशन पता चल जाएगा कि बारिश कितने बजे हुई थी, ये आपको एक्जैक्टली पता चलेगा, ग्राफ ग्राफ आपको मिल जाएंगे। अब इंडिया में क्या होता है, नेचुरल साइफन इस्तेमाल होता है, आपने नेचुरल साइफन लगाया तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, वो ग्राफ आप आके देखिए और आपको पता चल जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम के साथ वेरिएशन कैसा रहा है, ठीक है। चलिए सर ओके। बाकी अब देखिए यहाँ पे एक प्रोविजन बोल रहा है कि जो हमारे प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन मतलब समतल एकदम प्लेन टाइप के एरिया रहते हैं, जैसे कि तुम जानते हो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, ये सब प्लेन एरियाज हैं। फिर तुम एमपी की साइड जाओगे, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया में जाओगे तो वो तुम्हारे प्लेटू रीजन है, ठीक है। और थोड़ा सा मॉडरेट हाइट है उनकी। प्लेटू जानते हो क्या बेटा, प्लेटू ऐसे होता है, ये ऐसी ज़मीन प्लेटू होती हैं, ये हिल होता है बेटा, ये हिल होता है, और फ्लैट तो अपनी फ्लैट होती है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए सर, जो प्लेन एरिया है, रिकमेंडेशन ये है कि 520 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम एक स्टेशन तो होना ही चाहिए, तो बढ़िया बात है। अच्छा, जो जिन एरिया जो प्लेटू रीजन होते हैं जिनका एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर तक होता है, थोड़ा सा हाइट हो जाती है सर, है ना, सेंट्रल इंडिया के अंदर यही कहानी है, रीजन ऑफ एवरेज एलिवेशन 1000, तो यहाँ पे सर क्या है ना कि जब हाइट बढ़ती है तो बारिश थोड़ी सी बढ़ जाती है सर, तो वहाँ पे आपके एक स्टेशन होना चाहिए 260 से 390 स्क्वायर किलोमीटर में। और जो हिली एरिया है सर, हिली एरिया में तो सर हैवी रेनफॉल होती है, ज़्यादातर चांस यही है, तो हिली एरिया में सर क्या है, बारिश क्योंकि ज़्यादा है तो आप 130 किलोमीटर स्क्वायर में ही एक स्टेशन लगा दीजिए, आपको ज़रूरत ज़्यादा है। तो तुम देख सकते हो यहाँ 520, यहाँ 130, इसका 4 गुना, ये 4 गुना है, ठीक है। 13 टेबल अगर तुमको पता हो, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, इसको याद करना आसान है, 13 की टेबल में है पूरा, ठीक है। तो ये है, और ठीक है, समझ सकते हो। तो एक बात सर हमको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ रेनगेज हिल में ज़्यादा चाहिए होते हैं, हिल में ज़्यादा चाहिए क्योंकि बारिश ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है, तो हमको जहाँ वेरिएशन ज़्यादा, जहाँ बारिश ज़्यादा, वहाँ पे हमको नंबर ऑफ रेनगेज ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये सब चीज़ें याद कर सकते हो, क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे ईएसई के अंदर, ठीक है। और इसराइल एक बड़ी कमाल की कंट्री है जिसके अंदर रेनगेज का नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब उन्होंने अपने एरिया में सबसे ज़्यादा रेनगेज वगैरह लगा रखे हैं, जिससे कि उनके डिपार्टमेंट एकदम मजबूती से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेनगेज की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, डेंसिटी की रिक्वायरमेंट, तो हिल एरिया में ज़्यादा, मॉडरेट कम, प्लेन एरिया में और कम रेनगेज की चाहिए, क्योंकि प्लेन एरिया में सर अगर आप एक रेनगेज रखते हैं वो आराम से मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये बात है। और जहाँ सर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ भी हमको रेनगेज ज़्यादा रखने होते हैं, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर रेनगेज कम रखने होते हैं, ठीक है। तो रेनगेज ज़्यादा कहाँ रखने हैं, हिली एरिया में जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, इन सब इलाकों में ज़्यादा रेनगेज हमें रखने होते हैं, ठीक है। एग्जाम में गेट में कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो ये पूछता है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज, ऑप्टिमम मतलब क्या, ऑप्टिमम का मतलब ये है ना ज़्यादा ना कम, ऑप्टिमम मतलब ना ज़्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ध्यान सुनना, यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ रेनगेज इन अ कैचमेंट दैट आर सफिशियंट सो दैट एरर इन प्रेसिपिटेशन इज मिनिमाइज्ड। सर देखिए, एक बात आपने आज हमको बोली, क्या बात बोली आपने हमको आज, एक बात सर आपने हमको आज ये बोली कि नंबर ऑफ रेनगेज जितने कम होंगे उतना गड़बड़ ज़्यादा होगी,
आपका डेटा उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा जितने कम रेंगेज होंगे। समझिए बात को सर, है ना सर, नंबर ऑफ रेंगेज जितने कम होंगे उतना आपका इनएक्यूरेट डेटा होने वाला है। ये सर आपने बात बोली है, समझते चलना ध्यान से, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ रेंगेज अगर कम तो एक्यूरेसी कम, नंबर ऑफ रेंगेज ज़्यादा तो एक्यूरेसी ज़्यादा। अब हमने बोला कि चलो ठीक है, एक समझौता करते हैं, नंबर ऑफ रेंगेज बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी एरर परमिसिबल लगते हैं। जैसे मान लो तुमने बोला 10% एरर आ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमने बोला कि हम इतने नंबर ऑफ रेंगेज रखते हैं कि भाई एक हम बोल देते हैं कि इतनी एरर अलाउड है लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हमने बोला एरर इज़ बिलो एन एक्सेप्टेबल वैल्यू, मतलब 10% अगर तुमने चूज़ करा तो 10% के करस्पॉन्डिंग 10% एरर होने के लिए हमको कितने गेज चाहिए वो आप निकाल दीजिए, है ना, वो आप निकाल दीजिए। तो कैसे निकलता है उसका कैलकुलेशन, वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो बोलना शुरू करिए सर, पहली एक बात समझ लो, जितने रेन गेज ज़्यादा होंगे उतना ही एक्यूरेसी हाई होगी या एरर कम होगी। जितने रेन गेज ज़्यादा होंगे बेटा लेस इज़ द एरर या एक्यूरेसी ज़्यादा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, जितनी एक्यूरेसी चाहिए उस हिसाब से नंबर ऑफ रेन गेज बढ़ा दो, ठीक है सर। क्या स्टेप्स हैं, क्वेश्चन कैसा बनता है सर, हमको जरा अच्छे से बता दीजिए, ठीक है, ध्यान सुनना। अच्छा ये हुई बात, आयुष कह रहे हैं स्टैंडर्ड बुक, बेटा एस सुब्रमण्या है स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, एस सुब्रमण्या जो है स्टैंडर्ड बुक है। और बताओ क्या जानना तुमको, कमेंट तुम लोग खूब आ रहे हैं। एक लड़का कह रहा है कि सर हमको कैसे पता है कहाँ पे मेरी इंग्लिश लगा है, आजकल तो गूगल पता भी चल जाता है। और बताओ, हाँ एक से ज़्यादा नहीं, हाँ एक से ज़्यादा सकते हैं, कम से कम इतने तो बढ़िया रहेगा, बिल्कुल सही बात है। कम से कम अगर तुम एक दे रहे हो 520 किलोमीटर स्क्वायर में प्लेन में तो सही है, दो दे दोगे तो अच्छी बात है ना, फिर तो तुम्हारी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, नहीं समझे। चलो इसको सुनो, अभी समझ जाओगे, इसको सुनते ही तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है, जैसे कोडल वर्जन होते हैं ना कि सरिया आप इतनी दीजिए, इतनी ज़्यादा दीजिए, कम दीजिए, तो उसका कुछ रीजंस होते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। चलो उसको देखो सर, देखिए तो हम यहाँ पे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेंगेज कैलकुलेट कैसे करेंगे बात करनी है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है सर, आपका मान लीजिए जो भी आपका क्या नाम है कैचमेंट एरिया है उसमें जितने भी नंबर ऑफ रेंगेज हैं वो आप देखिए और उनकी बारिश देखिए, ठीक है। लेटेस्ट से आपका कैचमेंट एरिया है सर, और इसमें मान लीजिए एक रेंगेज यहाँ लगा है, दूसरा रेंगेज यहाँ लगा है, मान लीजिए यहाँ पे 4-5 रेंगेज लगे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 4-5 रेंगेज लगे हुए हैं। सर आपने क्या करा, इनका मीन प्रेसिपिटेशन निकाला। स्टेप नंबर वन होता है तुम फाइंड करो मीन प्रेसिपिटेशन। कैसे फाइंड करेंगे, सारी जितनी बारिश है सबका सम कर दो, P1, P2, P3, मतलब ऐसे 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14, 16, इस तरह से कुछ सेंटीमीटर में दिया होगा, प्लस करके डिवाइड बाय एन कर दो। एन का मतलब वो नंबर ऑफ रेंगेज जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो नंबर ऑफ रेंगेज जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, इतना काम कर लेंगे सर। चलिए स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं मीन प्रेसिपिटेशन इन ऑल द रेंगेजेस, ठीक है। दूसरा होता है कि हमको पता लगाना है स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है। इस स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है, सिग्मा से लिखते हैं, नीचे एन माइनस वन लिखते हैं यहाँ पे, और सिग्मा का मतलब होता है ऐसे, देखो क्या करोगे तुम, इसका मीन निकाल चुके हो, अब हर एक वैल्यू को मीन से माइनस करो, हर एक वैल्यू में मीन माइनस करो, कर देंगे सर। P1 मीन तो निकाल चुके हो ना, हाँ P1 माइनस मीन, P2 माइनस मीन, P3 माइनस मीन, सबको मीन करो, माइनस करा, माइनस करके वैल्यू मिली, ठीक है, 5 वैल्यू मिली। सबका स्क्वायर करेंगे, वो भी कर दिया, फिर सबको प्लस करो, वो भी कर दिया सर, प्लस कर दिया सिग्मा, और अपॉन यहाँ पे एन माइनस वन कर दो, अपॉन यहाँ पे एन माइनस वन कर दो, ठीक है। एन मतलब 5 रेंगे यहाँ प्रेजेंट है, तो 5-1 यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बताते हैं, अभी चिंता ना करना, हमारे स्टैंडर्ड निकल गया। तीसरा काम होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, जो सिग्मा तुमने निकाला है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, और तुमने अगर मैथ्स पढ़ी है थोड़ी बहुत तो तुमको आइडिया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन कैसे निकाला जाता है, ये बेसिक फॉर्मूला सबको पता होंगे मीन निकालने के और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन पी, हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करा, इनटू 100 करा, और हमको यहाँ पे सीवी परसेंटेज मिल जाएगा, हमको यहाँ पे सीवी कुछ परसेंटेज मिल जाएगा। एक बात समझ लो, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है सर। देखिए अगर ये सारी बारिश एकदम एक जैसी होंगी, जैसे मान लीजिए 10 10 10 10 10, ठीक है, सारी सेम, मतलब आपके डेटा में बिल्कुल भी डिविएशन है ही नहीं सर, सारी चीज़ें एकदम एक जैसी हैं, ठीक है। अब मान लो ये 0, ये 50, वो 25, कुछ भी, वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक वैल्यू दूसरी से बहुत डिफर कर रही है, समझ रहे हो। तो सर इस केस में क्या होगा, आपका डिविएशन बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़िया ज़्यादा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो ये डेटा आपका बहुत ही ज़्यादा वेरी कर रहा है, बहुत वेरी कर रहा है। और अगर सारी वैल्यूज एक जैसे हैं, सारी वैल्यूज क्लोज 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 हैं, बहुत प्रिसाइस वैल्यू हैं, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि आपका डिविएशन कम है,
सारी वैल्यू आसपास है, वेरिएशन कम है और कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन भी ऑटोमेटिकली कम आएगा। कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन भी ऑटोमेटिकली कम आएगा क्योंकि कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन सिग्निफाई करता है क्या सर, ये सिग्निफाई करता है कि मेरा जो रेनफॉल का डेटा है उसमें वेरिएशन कितना है। ठीक है, इतना वेरिएशन आना नहीं चाहिए वैसे, सही बात है। चलिए सर, बात समझ में आ गई बात। ठीक है, एक बात समझ लो, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हमको यहाँ निकालना है, नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेज, कि आखिर हमें कितने रेन गेज चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, सी वी अपॉन एरर का होल स्क्वायर। ये सी वी हम यहाँ परसेंटेज में रखेंगे, एरर भी परसेंटेज में रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुमको 10% की एरर चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तुमको 10% की एरर चाहिए और सी वी की वैल्यू कुछ आगे मान लो 30% है ना, तो तुम यहाँ ऊपर 30 रख दो, नीचे रख दो 10%, 30/10 हो गया कितना 3 का स्क्वायर कर दो 9, तो तुमको 9 रेन गेज चाहिए। अगर तुमने 9 रेन गेज लगा दिए, अगर तुमने बेटा 9 रेन गेज लगा दिए तो पता है क्या हो जाएगा, तो तुम्हारी जो एरर है ना वो एरर 10% से कम हो जाएगी और यही हम चाहते थे। ठीक है, तो सर देखिए एक बात समझिए, नंबर ऑफ रेन गेज अगर आपको कितने चाहिए, एरर जितनी बेटा कम चाहिए तुम्हें, जितनी एरर कम चाहिए उतने बताओ रेन गेज ज़्यादा लगेंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, और वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा बारिश के डेटा में, जितना वेरिएशन ज़्यादा होगा, जितना डिविएशन बहुत ज़्यादा होगा, अगर डिविएशन अगर बहुत ज़्यादा होगा सर जी, तो भी आपको रेन गेज ज़्यादा लेने पड़ेंगे ताकि एक्यूरेसी आपकी बढ़िया निकल के आए। तो कुल मिला के जो आपका एन है वो प्रोपोर्शनल टू सी वी अपॉन एरर का स्क्वायर है। ये बात सर हमको समझ में, यहाँ इक्वल लग जाता है, ये हमारे हो गए ऑप्टिमम। ठीक है, तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज कितने लगाने पड़ेंगे हमको सर, 9 आपका आंसर आया, 9 आपका आंसर आया सर, 5 आपके ऑलरेडी लगे थे, तो 4 और लगा दीजिए। अगर आप 4 रेन गेज यहाँ पे और लगा देंगे, ठीक है 4 रेन गेज और लगा देंगे, तो आपकी एरर जो है, एरर आपकी कम हो जाएगी। सही है सर। अब जरा इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में, ठीक है छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे सर। देखिए, एवरेज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ 5 रेन गेज दिया हुआ है सर, 5 रेन गेज का डेटा हमको दिया है, दिख रहा है? हाँ सर मुझे दिख रहा है, मुझे बताइए और कितने रेन गेज में ऐसे लगा दूं कि मेरी एरर जो है वो 10% के नीचे आ जाए या 10% ज़्यादा ना जाए, तो मैं क्या करूँगा सर बताओ भाई। 5 स्टेप फॉलो करो, पहले मीन निकालो, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, फिर ऑप्टिमम रेन गेज आ जाएंगे, बस खत्म बात। समझ गए बेटा, हाइड्रोलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास कब होगी, जो होगा बेटा सब यहीं होगा, चिंता ना करो। देखो ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हूँ रिकॉर्डेड, अगर बेटा तुम देखना चाहते हो तो उसका लिंक हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखा है, ठीक है तो तुम देख सकते हो, तो सब लोग समझ सकते हैं ना यहाँ पे, तुम चाहो जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। सबसे ज़्यादा तुम देख पा रहे हो मीन निकाला गया है, मीन इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5 किया गया है, 56.8 आ रहा है सबका, है ना, समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या रहा यहाँ पे, सेकंड स्टेप क्या रहा हमारा, अच्छा रेन को मेजर क्यों करते हैं, ये बड़े कमाल का सवाल पूछा है, ताकि फ्लड वगैरह से बच सकें, सब कुछ मेजर तो करना ही पड़ता है ना यार, हमको तैयारी नहीं चाहिए तुमको, तुमको मतलब डेटा को एनालाइज नहीं करना है, पीडीएफ बेटा सब पड़ी हुई है, थोड़ा फाइल्स में जाके देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो अब इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो ध्यान से सर, हमने पहले मीन निकाला, कैसे, इन पांचों को प्लस करा अपॉन 5 किया, तो 89.51 सबको प्लस करके तो हमारा आंसर आया 56.8, हमारा आंसर सर जी आया 56.8, सबका आराम से निकल के आ गया होगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 हमने यहाँ पे सिग्मा एन माइनस 1 किया, वही अपना स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हमने क्या करा, हर एक वैल्यू को, हमने पहली वैल्यू 89 को मीन माइनस किया, उसमें उसका करा स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू सर क्या है 54, उसमें हमने मीन माइनस किया, मीन कितना आया था 56.8, फिर करा स्क्वायर, ऐसा 5 बार कर दो सारी वैल्यूज के साथ, ऐसा कर दो स्क्वायर कर दो, सम कर दो, सबका सम कर दिया अपॉन एन माइनस 1, एन मेरा कितना सर 5, माइनस 1 हमने करा, हो गई बात खत्म, सिग्मा आ गया आपका कितना 18.95,
सिग्मा आ गया कितना 18.95। सर बात समझ में आ गई। सेकंड स्टेप थर्ड पे आते हैं सर। थर्ड हमारा क्या है, सीवी निकालना है। सीवी को क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका फॉर्मूला क्या है सर, सिग्मा अपॉन मीन। सिग्मा अपॉन मीन है सर, है ना। तो सिग्मा तुम्हारा कितना है 18.95, तुमने बेटा यहाँ पे 18.95 रखा, और अपॉन ये कितना आया था मीन 56.58, ये हमने रखा, इन टू 100 करा हमने यहाँ पे, और इक्वल टू ये हमारा आ गया 33.36%। 33.66 काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है, काफ़ी रेनफॉल रिटर्न वेरिएशन सर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है सर, ये आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज निकालेंगे। हम यहाँ पे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज निकालेंगे बढ़िया से। तो वो क्या था, सी वी अपॉन एरर। सी वी कितना है सर परसेंटेज में, 33.36। एरर कितना है आपने क्वेश्चन में दे रखा है, 10%, ठीक है। एरर देखो जितनी कम रखोगे, एरर मान लो तुमको 2% चाहिए, तो यहाँ 2 रखोगे तो नंबर ऑफ रेनगेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ रेनगेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, ठीक है। जीरो एरर का चाहिए, अगर जीरो एरर चाहिए तो इनफाइनाइट हो जाएंगे नंबर ऑफ रेनगेज, ये सुनो। इतना पॉसिबल है नहीं, तो थोड़ी बहुत एरर हमको रखनी पड़ती है, इतना पॉसिबल है नहीं। तो हमने यहाँ रखा, और यहाँ पे हमने सर इसका होल स्क्वायर लगाया, होल स्क्वायर लगाया सर यहाँ पे। अच्छा एक बात सुन लो, दोनों चीज़ें परसेंटेज में रखना या दोनों चीज़ें फ्रैक्शन में रखना, 0.1, 0.33 इस तरह से। तो लगभग लगभग कितना आ गया, 11.13। राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा हमारा बेटा 12, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे 12, इसका मतलब 5 पहले से थे, 5 हमको और कितने चाहिए, 7 एडिशनल। अगर पूछे कि एडिशनल तुमको कितने रेनगेज देने पड़ेंगे और, तो तुम क्या बोलोगे, 12 आपको चाहिए, 5 आपके पास ऑलरेडी हैं, 7 अगर आपने और लगा दिए तो आपकी एरर क्या होगी, 10 के नीचे आ जाएगी। सर अभी क्या हो रहा था, अभी ये हो रहा था सर ऐसा कि आपके रेनगेज थे 5, तो जब 5 रेनगेज थे तो एरर आपकी 10 से ज़्यादा थी सर, एरर आपकी 10 से ज़्यादा थी, ठीक है सर। आपने जब 11.13 एकदम आपने जब कैलकुलेट किया 11.13 आया, तो 11.13 में आपकी एरर 10% रहेगी, लेकिन आपने 12 दिए, आपने हल्का सा इसको राउंड ऑफ करके बढ़ाया, तो जब आप इसको 12 दे देंगे सर तो आपकी एरर ऑटोमेटिकली 10 से कम हो जाएगी। जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपकी एरर क्या रहे, 10% से कम रहे। तो आपने इसको राउंड ऑफ करके, आपने इसको राउंड ऑफ करके 11 नहीं किया, 12 किया, बढ़ाया, तब जब एन बढ़ा दोगे तो एरर और कम हो जाएगी, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए सर एकदम बात समझ में आ गई यहाँ तुमको, एकदम यहाँ पे बात समझ में आ गई, ठीक है। और सर आपने आज हमको एक टर्म बताया सर, देखिए आपने दूसरा टर्म का यूज़ किया था अभी आपने सर हमको, देखिए आपने हमको मीन की बात करी है, आपने सिग्मा की बात करी, स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर सर आपने एक टर्म बोला सी वी। सी वी हमारा क्या होता है, सिग्मा अपॉन मीन, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, ठीक है सर। देखिए दो डेटा का अगर मीन सेम भी है, ठीक है, तब भी उनका स्टैंडर्डेशन अलग हो सकता है, वैल्यूज़ में डिफरेंस आ सकता है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो, हमने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, सचिन है और विराट कोहली है, सचिन ने 3 मैच में इतने रन बनाए और विराट कोहली ने 3 मैच में इतने रन बनाए, इनका एवरेज निकालोगे तीनों का सम 150-150 आएगा, मीन निकालोगे दोनों का, देखो मीन क्या है बेटा 50 आया है, दोनों का मीन 50 आया, तीनों को प्लस करके 0.3 कर लो, ठीक है। लेकिन सर कमाल की बात यह, इसका स्टैंडर्डेशन बहुत ज़्यादा है सर, इसलिए क्योंकि सर एक वैल्यूज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये 0 कभी 150 कभी कुछ, एकदम से वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू में डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारे नंबर पास हैं, तो इसका डिविएशन कम है और इसका डिविएशन ज़्यादा है बेटा, ये बात समझ में आ रही सबको, इसका डिविएशन कम है, इसका डिविएशन बेटा ज़्यादा है, यस और नो, सही बात है। तो सर देखिए जिस चीज़ का डिविएशन कम है वो अच्छा है भाई, वो बहुत अच्छा है, जिसका डिविएशन कम है वो बहुत अच्छा है, वो मोर रिलायबल है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बात समझ में आ रही, उसकी क्वालिटी क्या है भी, बहुत अच्छी, गुड क्वालिटी। और यहाँ पे सर क्या है, पुअर क्वालिटी हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, पुअर क्वालिटी हो जाएगी। तो हमको एक बात समझ में आ गई सर, क्या हमको एक बात क्या समझ में आ गई कि सर कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन मतलब प्रपोर्शनल है किसके, स्टैंडर्ड डिविएशन के। जिस डेटा में डिविएशन ज़्यादा है सर, जिस डेटा में डिविएशन ज़्यादा है वो बेकार हो जाता है, वो पुअर क्वालिटी का हो जाता है सर, क्योंकि यार हम चाहते हैं चीज़ें कंसिस्टेंट रहें, हम चाहते हैं चीज़ें कंसिस्टेंट रहें, सारी वैल्यूज आसपास रहें भाई, बारिश हो रही सारी वैल्यू, अब आप बारिश देख रहे हैं कभी कुछ हो रहा है तो वेरिएशन ज़्यादा आ जाएगा, सीधी सी बात है सर यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, बताता क्या है सर, ये बताता है कि आपका जो डेटा है उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, वो वैल्यू सारी एक जैसी हैं कि सब एकदम अलग अलग जा रही हैं, सब अलग अलग जा रही हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, एकदम सही बात है। और वेरिएशन ऑफ रेनफॉल जो है, ठीक है, जो है वो हम लोग
लंबे समय के लिए थोड़ा सा देखते हैं, मतलब देखो एक बात और समझो, ये जो बारिश हम लोग यहाँ पे डेटा मेजर हो रहा है ना यार, जो हमने यहाँ लिखा था 89, 54 ये सब जो आ रहा है, ये सब जो डेटा 89, 54 ये सब क्या है, लंबे समय में लिया गया है, ठीक है, रोज़ का डेटा नहीं है, पूरे साल का, 30-30 साल का ऐसा डेटा है। अच्छा सर ये बात है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम डेटा को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, डेटा को हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, प्रिपेयर। सर देखिए, सर आपने हमको डेटा की इंपॉर्टेंस समझाई और आपने हमको बताया नंबर ऑफ रेनगेज ये चाहिए, कैचमेंट एरिया में सर हमारे रेनगेज लगे होते हैं, ठीक है सर। चलिए ठीक है, हमको रेनगेज में बहुत सारे डेटा मिल गए, P1 P2 P3 करके डेटा मिला, ठीक है सर। अब उस डेटा से हम लोग कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, आपने जो डेटा ऑब्टेन किया है सर, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या सर? वो डेटा आपका कंटिन्यूस होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक एक टर्म को देखना शुरू करेंगे, लेकिन इन टर्म को समझने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं, जैसे एक डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। इसका मतलब क्या है, देखो किसी रेनगेज में, सुनना बहुत ध्यान से हमारी बात, किसी रेनगेज में तुम अगर 30 साल का एवरेज निकालो, पिछले 30 साल का, जैसे अभी चल रहा है 2020 मान लो, फॉर एग्जांपल 2021 चल रहा है, तो 2021 में जो बारिश हुई, 20 में बारिश हुई, 19 में, पिछले 30 साल का डेटा लो पूरे साल का और उसका एवरेज निकाल दो, तो कॉन्सिक्यूटिव एवरेज रेनफॉल अगर तुम निकालोगे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और वो जो कॉन्सिक्यूटिव एवरेज तुम निकाल रहे हो, पूरे ईयर का निकाल सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर मंथ का या किसी एक पर्टिकुलर डेट का। फॉर एग्जाम्पल तुमको एक डेट पसंद आई, मान लो हमने आज कितनी डेट है, आज है 5 सितंबर ले लेते हैं, चलो ठीक है, टीचर्स डे बढ़िया सा, तो 5 सितंबर 2021 में जो बारिश हुई मेजर कर ली हमने, फिर 5 सितंबर 2020 में जो बारिश हुई मेजर कर ली हमने, 5 सितंबर 2019 में जो बारिश हुई मेजर कर ली, ऐसे हमने 30 साल, पिछले 30 साल का डेटा उठाया उस पर्टिकुलर डेट का और उसका एवरेज ले लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ 5th September इज द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज 30 वैल्यूज इन कॉन्सिक्यूटिव मैनर, है ना, बात समझ में आई, बात समझ में आ गई कि नहीं सर? एकदम बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा तुम चाहो तो कोई मंथ भी ले सकते हो कि सर जून 2021 में इतनी बारिश हुई है, जून 2020 में इतनी बारिश हुई है, फिर जून 2019 में इतनी, जून 2018 मतलब जून आपने अगर पर्टिकुलर महीने की बात कर ली, तो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर महीने के लिए आपकी वो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, या किसी ईयर को भी ले सकते हैं आप, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन हमको एक बात समझ आ गई सर, नॉर्मल में मतलब, नॉर्मल का मतलब क्या है, पिछले 30 साल का आप डेटा लीजिए, चाहे किसी डेट, किसी मंथ या किसी ईयर ले लीजिए, समझ गए। दूसरा होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। पहले तो मुझे बताओ बेटा, रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल का क्या मतलब है? एनुअल का मतलब होता है सालाना, एक साल में, एनुअल का मतलब होता है सालाना। सर सुनिए बहुत ध्यान से, जैसे मान लीजिए 2020 है सर, 2020 में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितनी बारिश हुई, हर दिन कुछ बारिश होती है, 8 बजे से 8 बजे तक जाके हम साइमन रेनगेज में कुछ ना कुछ मेजर करते थे, हमको याद है सर, है ना। तो हर दिन जो डेली रेनफॉल हो रही है, उस डेली रेनफॉल का सम कर दो, उस डेली रेनफॉल का कर दो बेटा सम, पूरे साल का जोड़ डालो, जोड़ दिया तो हम बोलेंगे इट इज़ एनुअल रेनफॉल ऑफ 2020, एनुअल रेनफॉल मतलब एक साल में कितनी बारिश हुई उसको हम बोल रहे हैं एनुअल रेनफॉल, ठीक है सर, तो वो हो जाएगी एनुअल रेनफॉल। अब पिछले 35 साल की रेनफॉल उठाओ, लेकिन हर एक साल की रेनफॉल डेली से मिलके बनी है और उसका कर दो एवरेज, तो उसको बोलते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल। अगर हम अपने प्यारे भारत देश की बात करते हैं, तो भारत देश में एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास है, कुछ बुक्स में 119 लिखा है, कहीं 118 लिखा है, लेकिन ये रेंज है जो तुमको पता रहनी चाहिए, एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है कि अपने भारत देश में ऑन एन एवरेज, ठीक है, क्या बारिश हुई है पिछले 35 सालों में, ठीक है। तो ये है डेटा, इसको याद कर लो, तुमसे कोई पूछे एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया, तो लगभग 119 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और वेदर फोरकास्ट जो होता है वो न्यू दिल्ली पे किया जाता है, वाटर ईयर जो है हमारा 1st day of June से शुरू होता है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल ईयर तुमको पता होगा 1st April से शुरू होता है, वैसे वाटर कैलकुलेशन जो भी होती हैं ईयर टू ईयर वो 1st day of June से शुरू होती हैं, ठीक है, क्योंकि मानसून अगर हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, 31st March नहीं शायद मई होगा, है ना, तभी पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, ये 31st May हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गई बात, तो हमको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सर आपने हमको एक बात बोली थी, सर ये सब तो बेसिक डेफिनेशंस हैं, आपने एक हमको बात बोली कि डेटा हमारा कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट होता है, इसका मतलब नहीं समझ में आया, बस ये बता दीजिए हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस, ठीक है। पहले कंटिन्यूस की बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी,
कंटिन्यूस की, ठीक है, बहुत ध्यान सुनो। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा कैचमेंट एरिया है, सुनना बहुत ध्यान से बेटा, मान लो तुम्हारा कैचमेंट एरिया है, अब यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, 4, 5 रेन गेज लगे थे सर, यहाँ मान लीजिए 5 रेन गेज लगे थे, अच्छा एग्जांपल में फिलहाल 4 है, यहाँ पे 4 लेते हैं, चलो एक कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे रेन गेज लगे, ठीक है सर, ए बी सी डी 4 नाम के रेन गेज लगे हुए हैं, ठीक है सर। सर देखिए नाम भी दे देते हैं, ABCD। सर देखिए ABCD में नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितनी हुई सर, 95, 98, 104, 100, ये हुई है नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल मतलब क्या सर, नॉर्मल का मतलब ये है ABCD पे सर क्या है, पिछले आपको 30 सालों का एवरेज लेना पड़ा सर, आपने ABCD पिछले 30 साल का जो एवरेज दिया था 95, 90 ये सब आ रहा था वैल्यू। अरे नॉर्मल बताया ना अभी, पिछले 30 साल का एवरेज, हर एक पे आपने पिछले 30 साल का एवरेज लिया हर एक पे, ठीक है सुनते चलो बात, ठीक है ध्यान सुनो, सही है नॉर्मल दिया है। लेकिन सर हुआ क्या, अब आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट से हम यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर 2021 चल रहा है ना, 2021 में आ जाओ, 20 मान लो, चलो 21 अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, चलिए 2020 का आ जाते हैं बात। सर 2020 में हम जब इसको देख रहे थे तो ए पे जो बारिश हुई वो हुई 110, बी पे जो बारिश हुई वो हुई 105, इसको हम पी ए पी वी बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन एट ए, प्रेसिपिटेशन एट बी, प्रेसिपिटेशन एट सी कितनी हुई 100। लेकिन सर एक कमाल की चीज़ हो गई, जो स्टेशन डी था वो टूट गया सर, स्टेशन डी जो है टूट गया, या मान लो कोई भालू उठा के भाग गया, मान लो कोई भालू आया वहाँ भाग गया उठा के उसको लेके, गायब हो गया बेटा। मतलब सर हुआ क्या, एक धोखा हो गया, धोखा ये हो गया 2020 में हो गया कुछ गड़बड़, 2020 में सर इस साल एक कोई मतलब गड़बड़ हो गई सर, यहाँ पे बारिश नहीं मिल पाई हमें, स्टेशन डी पे मिसिंग हो गया डेटा, एक डेटा मिसिंग हो गया सर अपना, इसको बोलते हैं मिसिंग डेटा, बात समझ में आ रही है, एक डेटा मिसिंग हो गया। तो अब यार ये बताओ हमारा डेटा कैसा हो गया, हमारा डेटा कंटिन्यूस था पहले लेकिन अब डिसकंटिन्यूस हो गया, अगर यहाँ बारिश मिल जाती तो हमारा डेटा कंटिन्यूस होता, लेकिन एक डेटा क्योंकि गायब हो गया, कुछ हो गया उसके साथ सर, क्या पता वो टूट गया, नहीं है, गायब हो गया, चोरी हो गया, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ हो गया तो एक डेटा गायब हो गया हमारा, तो हमारा डेटा कैसा हो गया, हमारा डेटा डिसकंटिन्यूस हो गया, हमारा डेटा कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस हो गया, यस और नो, सही बात है सर। अब बताइए करें क्या, वो तो हम समझ गए, हम समझ गए कि कंटिन्यूटी टूट गई है, हम समझ गए सर डिसकंटिन्यूस हो गया, करें क्या सर ये बताइए। तो करना ये होता है, हमको पता लगाना होता है कि अगर ये चोरी ना हुआ होता भालू के द्वारा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती, ये कैसे पता लगाएंगे, अब हमको सीखना है, ठीक है, हमारा डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन मान लो उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो उसको वापस से कंटिन्यूस कैसे करें। तो हम एक टॉपिक पढ़ने जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा, जो डेटा मिस हो चुका है, बताओ अगर यहाँ पे वो डी स्टेशन रहा होता, रेन गेज रहा होता, तो 2020 में यहाँ पे क्या बारिश हुई होती, आओ मिलके पता लगाएं। इसके हैं सर दो तरीके, इसको पता करने के दो तरीके हैं, बहुत ध्यान सुनना। अच्छा भालू को पकड़ें नहीं पकड़ पाओगे बेटा, भालू पकड़ने जाओगे तुम भी खो जाओगे, समझे, ये देखो भालू पकड़ रहा है, इसको पढ़ लो यार जो बता रहे हैं, सुन लो पहले सर। इसमें दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, एक मेथड का नाम होता है आर्थमेटिक मीन मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है उसका नाम होता है नॉर्मल रेशियो मेथड, कहाँ चला गया, नॉर्मल रेशियो मेथड। दो मेथड हैं कुल मिला के, ठीक है, दो मेथड हैं सर हमारे, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, समझ जाओगे, हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आ सकता है, न्यूमेरिकल एकदम। सर बताइए स्टेप नंबर वन, ध्यान सुनो, पहले समझो ये मेथड लगेगा कब, ये मेथड लगेगा पहले ये समझो, देखते हैं सर। अब आप पहले तो एक काम करिए, सबसे पहले काम करिए, क्या काम करिए सर, क्या काम करिए, देखो हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा स्टेशन नंबर डी है जहाँ पे भालू ने चोरी करी है, उस स्टेशन की नॉर्मल रिसिप्टेशन बेटा कितनी है सर, जिस स्टेशन का गायब हुआ है डेटा, मान लो सी का भी गायब हो सकता था, बी का हो सकता था, किसी का भी गायब हो सकता था सर, उस स्टेशन जिसका डेटा गायब हुआ है, बहुत ध्यान सुनो बेटा, जग जाओ एकदम, सुन लो, पूरा फोकस करो यहाँ। सर देखिए जिस स्टेशन पे चीज़ें गायब हुई हैं वहाँ का जो नॉर्मल है वो 100 है, वहाँ का बेटा जो नॉर्मल है वो क्या है 100, यस लिखो, यस कमेंट बॉक्स में यस लिखो, हाँ सर 100 है। अब मैं इस 100 को 10% बढ़ाऊँगा, 10% कम करूँगा, ठीक है, यहाँ देखो इधर आ जाओ सर, इस 100 को मैंने 10% बढ़ाया, 10% कम करा, अगर मैं 100 को 10% बढ़ाता हूँ तो हो जाएगा 110, और अगर मैं 100 को 10% कम करता हूँ तो मेरा हो जाएगा 90, ठीक है। तुम 0.9 से इंटू करोगे तो 10% कम हो जाएगा, 1.1 से इंटू करोगे तो 10% बढ़ जाएगा। अब चेक करो बाकी सारे नॉर्मल वैल्यू, बाकी ए बी सी की नॉर्मल वैल्यू क्या इस रेंज के बीच में आ रही है, बताओ सब लोग, 95, 98 और 104 क्या इनके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, बताओ 10% प्लस माइनस 10% के अंदर आ रहा है कि नहीं, ये तीनों वैल्यू बताओ, क्या नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट बी, नॉर्मल एट सी, क्या इसके बीच में आ रहा है, हाँ सर अगर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे दिख तो तीनों बीच में रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ द गायब स्टेशन,
नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ द मिसिंग स्टेशन वो आपकी 10% की रेंज में है, बाकी सारी नॉर्मल जो हैं, ठीक है, बाकी सारी जो आपके सिलेक्टेड स्टेशन हैं ABC, इनका जो डेटा है नॉर्मल का वो 10% के अंदर है, ठीक है, ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ मिसिंग डेटा, मिसिंग डेटा के प्लस माइनस 10% है ना, बाकी सारे डेटा हैं। बात समझ में आ रही है, समझो, टाइम ट्रेवल ना करो बेटा, कंटेंट वाइज कॉम्प्लीमेंट कुछ डिफरेंस नहीं बेटा, कोर यहाँ स्पीड ज़्यादा है बस, यहाँ स्पीड ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, समय कम है, ये सब चीज़ें, और बाकी हम वही PDF पढ़ा रहे हैं, चिंता ना करो, सुन लो बेटा क्या बता रहे हैं। हाँ तो ठीक है सर, अंदर है, अगर देखो अगर इसमें से एक भी वैल्यू, अगर इसमें से एक भी वैल्यू यहाँ से बाहर हो गई होती तो हम बोलते हैं कि सारा जो इसमें से ABC का डेटा है दैट इज़ नॉट विद इन 10%, दैट इज़ आउटसाइड 10%, दैट इज़ नॉट विद इन 10%, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज़ जो नॉर्मल की हैं अगर 10% के रेंज में आ गई, बीच में आ गई, तो हम अर्थमेटिक मीन लगाएंगे। लेकिन मान लो अगर वैल्यू 10% के बाहर निकल जाती हैं, जैसे यहाँ अगर तुम देखो, यहाँ पे तुम देखो अगर लिखे हैं वैल्यूज़ 112 है, 95 है और 105 है, यहाँ भी हमने 100 लिया है और ये गायब हो गया अपना क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने देखो 10% बढ़ाया, 10% माइनस किया, प्लस माइनस किया हमने, लेकिन इसमें क्या है 112 ये अगर हम देखें तो 112 सर बाहर निकल गया, 112 इसके बाहर है, इसके बाहर है, तो बाहर जब चला जाता है तो हम बोलेंगे इट इज़ आउटसाइड 10%, तब हम लोग आर्थमेटिक नहीं लगाएंगे, तब हम लोग नॉर्मल रेशियो लगाएंगे, तब बेटा हम लोग क्या लगाएंगे, नॉर्मल रेशियो। ये बात समझ में आगे बताओ सर, इन शॉर्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो बाकी सारे नॉर्मल हैं वो 10% ऑफ द जो गायब स्टेशन है उसके अंदर आ गया तो आप आर्थमेटिक लगाएंगे, और अगर बाहर चला गया तो नॉर्मल रेशियो मेथड लगाएंगे, ठीक है सर। अब मेथड बता दीजिए, कब कौन सा मेथड लगना है, ये बात हमको समझ में आ गई सर, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पे बीच में है, वहाँ बीच में नहीं है, वहाँ पे एक भी बाहर चला गया तो हमको वो मेथड लगाना पड़ेगा। अच्छा तो करें क्या सर, अब देखो अगर रेंज के अंदर है तो तुम्हें अगर ये निकालना है तो कुछ मत करो, ये जो बारिश दी हुई है तीनों, इन तीनों को क्या करो, प्लस करके एवरेज कर दो, PA प्लस PB प्लस PC अपॉन M कर दो, M का मतलब कितने स्टेशन अभी वर्किंग बचे हुए हैं, M का मतलब कितने स्टेशन अभी वर्किंग बचे हुए हैं। तो तुमने क्या करा, तुमने कुछ नहीं करा, 110 105 और 100 का जो बचे हुए तीन थे उनका एवरेज ले लिया, उनका एवरेज ले लिया। अरे बेटा मेरे भाई मुझे ये बताओ, ये बता दो जल्दी से कि यही तीन तो मेरा आर्थमेटिक मीन हो जाएगा ना भैया, जो बचे तीन है इनका एवरेज अगर ले लिया तो इसी को तो हम आर्थमेटिक मीन बोलते हैं, इसी को तो हम आर्थमेटिक मीन बोलते हैं। जी हाँ सर, ये तो सच्चाई बोल दी सर आपने, इसी को तो हम आर्थमेटिक मीन बोलते हैं। हाँ सर, तो जब मैंने मीन करा ये आगे 105, इसका मतलब अगर ये रहा होता तो यहाँ पे बारिश 105 हुई होती, अगर ये रहा होता, तो फिलहाल है नहीं तो बात अलग है, लेकिन अगर रहा होता तो यहाँ पे डेटा हमारा 105 होता। अब बताओ मिसिंग डेटा फाइंड हो गया, सर मैंने इसको फाइंड कर लिया, आर्थमेटिक मीन में कुछ करना ही नहीं है, बस आप चेक कर लीजिए कि 10% के अंदर है तो आप तीनों को प्लस करके एवरेज कर डालिए, बस बात खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। और हमने इस तरह से मिसिंग डेटा फाइंड करा और हमारा डेटा जो डिसकंटिन्यूस हो गया था भालू की वजह से उसको मैंने वापस से कंटिन्यूस कर दिया, वापस से मैंने कंटिन्यूस कर दिया सर, सही बात है। अच्छा अच्छा वहाँ क्या करेंगे सेकंड वाले में सर, अच्छा मान लो जैसे हमने यहाँ देखा, अब इसमें क्या हुआ कि हमारी जो तीनों नॉर्मल थी वो बाहर चली गई, दैट इज़ नॉट इन दिस रेंज, नॉट इन दिस रेंज सर, 90% और 110% के बीच में नहीं है, क्योंकि सर 112 आपका बाहर जा चुका है, तो हम लोग कौन सा मेथड लगेंगे, नॉर्मल रेशियो। इसमें एवरेज नहीं लिया, इसमें सर क्या करते हैं समझने की कोशिश करिएगा सर, आप सर देखिए इसमें क्या, अच्छा ये वैल्यूज लिख देते हैं, देखो ये 100 है, ये 95 है, 92 है, ये एनुअल रेनफॉल है, ये नॉर्मल है ना सर, इसमें क्या करते हैं हम लोग पी अपॉन एन करते हैं। देखो नॉर्मल रेशियो का मतलब ही होता है पी अपॉन एन, मतलब जो बारिश हुई है अपॉन नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, जो बारिश हुई है उस साल अपॉन नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट स्टेशन को ही नॉर्मल रेशियो बोलते हैं ऑफ दैट स्टेशन। नॉर्मल रेशियो का मतलब ही होता है कि उस स्टेशन में कितनी बारिश पी हुई है इस साल अपॉन नॉर्मल, मतलब पिछले 30 सालों में क्या बारिश वहाँ पे हुई है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रेशियो। तो हमने यहाँ पे पी अपॉन एन किया ऑफ स्टेशन ए, नॉर्मल रेशियो ऑफ स्टेशन ए प्लस नॉर्मल रेशियो ऑफ स्टेशन बी, ठीक है, प्लस नॉर्मल रेशियो ऑफ स्टेशन सी करा हमने। लेकिन सर जी, और इसका एवरेज लिया, एवरेज कैसे लेंगे, 1/3 करके, एम का मतलब कितने स्टेशन वर्किंग है, 1, 2, 3 वर्किंग है, ठीक है। तो मैंने पी अपॉन एन करा, मैंने क्या करा सर, 100/112, फिर मैंने 95/95 किया, फिर मैंने 92/105 किया, इनका एवरेज लिया 1/3 करा, बताओ एवरेज ले लोगे। ये फॉर्मूला तब लगेगा लेकिन जब एक भी नॉर्मल आपके इसके 10% के बाहर चला जाएगा, एक भी नॉर्मल 112 इसके बाहर चला गया तो आपको ये फॉर्म लगाना है। अगर सारे के सारे ये तीनों अंदर आ गए होते, ये तीनों अगर अंदर आ गए होते तो मैं वो वाला फॉर्म लगाता आर्थमेटिक मीन वाला, समझ के। और ये बराबर होगा PD अपॉन ND,
अब पीडी मुझे फाइंड करना है, एनडी मुझे दिया गया है, नॉर्मल एडी मुझे 100 दिया गया, यहाँ मैंने 100 रखा, यहाँ से पीडी मुझे मिल जाएगा जो भी आना होगा। आ गया 92.3, यहाँ 100 को इंटू कर देंगे पीडी मिल जाएगा 92। इसका मतलब अगर यहाँ बारिश हुई होती, मिसिंग डेटा ना होता, तो यहाँ 92.3 होता, समझ गए। लेकिन कब कौन सा मेथड लगना है ये समझ लो, और फॉर्मूला क्या लगाओगे ये समझ लो, ठीक है। और इसको नॉर्मल रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पी बाई एन का रेशियो लेते हैं, पी बाई एन के रेशियो को ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल रेशियो फॉर एनी स्टेशन, ठीक है। अब बताओ बात सबको क्लियर हो गई, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमारा और कंप्लीट हो गया, एक न्यूमेरिकल हमारा और कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ये सीखा कि हमारे डेटा को हम लोग कैसे कंटिन्यूस करेंगे, अगर हमारे डेटा में कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो उसको हम वापस से कैसे कंटिन्यूस करते हैं, ये हमने आज यहाँ पे सीख लिया है अभी, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई भैया, जल्दी बता दो कमेंट करके, यस और नो, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जो हमने अच्छे समाप्त कर लिया, बाकी चीज़ें हम लोग बैठे देखेंगे कल, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी कब, कल देखी जाएंगी। ये क्या हो गया, एकदम सो गए गायब, तो रुके रहेंगे, हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और मिसिंग डेटा हम लोग का हो गया, ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है सर, हम लोग 15 दिन के अंदर इसी स्पीड के साथ चलेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सभी को थैंक यू भाई, और देखो बिल्कुल परेशान मत हो, ये जो पीडीएफ तुम जिसकी बात कर रहे हो, ये पीडीएफ तुमको हमारे टेलीग्राम मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम मिल जाएगी, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन, सब लोग रोज़ इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, और हाइड्रोलॉजी क्रैश कोर्स हम लोग इसी तरह से सुपरसोनिक तरीके से एकदम चलाते रहेंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल जैसे हम देख रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस करते ही चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्लासेस तुम्हारी मंडे से फ्राइडे होती रहेंगी, फिलहाल कल क्लास नहीं होती इसलिए आज हो गई, वरना तुम्हारी क्लासेस मंडे से फ्राइडे क्रैश कोर्स के फॉर्म में रोज़ 1.5 से 2.5 तक चलती रहेंगी, ठीक है। चलो टेक केयर। और एक पंकज जी पूछ रहे हैं, एक बार एवरेज एनुअल रेनफॉल बता दीजिए। बेटा कुछ नहीं, अच्छा भालू बेटा, बेटा सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, उसको सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे भालू नहीं आता है, मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है वो बता रहे हैं हम, ठीक है। चलो यहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल पूछना तुमको, बेटा कुछ नहीं, तुम बताओ इस साल की बारिश निकाल सकते हो कि नहीं, तुम हर दिन बारिश कैलकुलेट करो, मान लो एक दिन 1 जनवरी को इतनी बारिश हुई 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो सारे दिन की बारिश जोड़ दो तो तुमको पूरे साल की बारिश मिल जाएगी, इसको बोलते हैं एनुअल रेनफॉल। अब तुम पिछले 35 साल का एनुअल रेनफॉल निकालो, पिछले 35 सालों का एनुअल रेनफॉल जो पूरे पूरे साल हुई है, और उसका एवरेज ले लो, उसी को बोलते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल, समझ गए बेटा पंकज। चलो ठीक है, हाँ तो मैथ्स की और जो भी क्लास होगी अब मंडे को होगी, मंडे से फ्राइडे होगी बेटा सारी क्लास, मैथ्स की 9:30 बजे सुबह और 1:30 बजे क्रैश कोर्स की, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो, खुश रहो एकदम, ठीक है, टेक केयर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.